वरुणा भद्रावती विधानसभा सीट पर बीजेपी को उम्मीदवार न देकर शिवसेना शिंदे गुट को उम्मीदवारी देने की चर्चा के चलते वरुणा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा नागपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में आंदोलन किया गया। विधानसभा चुनाव का आकाश हो चुका है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। इससे पहले सीट बंटवारे को लेकर चर्चाओं का माहौल भी गर्मा गया है। ऐसी श्रृंखला में चर्चा ये भी है कि भद्रावती वरुणा विधानसभा क्षेत्र की सीट शिंदे गुट को मिलेगी, जिसे स्थानीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं में इसे लेकर विरोध देखा गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहां पर शिवसेना शिंदे गुट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पिछली बार भी वरुणा विधानसभा की उम्मीदवारी बीजेपी की बजाय शिवसेना को दी गई थी, जब शिवसेना का कोई अस्तित्व नहीं था। इस चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वरुणा विधानसभा की उम्मीदवारी अस्तित्वहीन शिवसेना शिंदे गुट को मिलने जा रही है। इसीलिए वरुणा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सामूहिक रूप से भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसा कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया। मैं नरेंद्र जीवतोड़े जिला भारतीय जनता पक्षाचा जिल्ह्याचा अध्यक्ष आहे आणि ह्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाच्या वाट्याला आमच्या वरोरा विधानसभेची सीट यावी ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही निवेदन देण्याकरिता आलेला होतो। आणि आम्हाला असं काही पदाधिकाऱ्यांकडून समजलेलं आहे की ती आमच्या वरोरा विधानसभेची सीट शिंदे गटाला जाणार आहे ती, परंतु आमचा भारतीय जनता पक्ष हा वरोरा विधानसभेमध्ये सर्वाधिक मोठा पक्ष आहे, काँग्रेस पक्षापेक्षाही मोठा आहे। दोन तिथे पंचायत समित्या आमच्या होत्या, आमच्या नगरपालिका आहे, आमच्या जिल्हा परिषद आहे, त्या सभापती आहे, सर्व आमच्या एवढा मोठा जनसमुदाय असताना ही जागा जर शिंदे गटाला जर जात असतील तर ते चुकीचं आहे। आणि हे चुकीची मांडणी झाल्यामुळे आम्ही आमच्या भारतीय जनता पक्षाला ती जागा यावी ही मागणी करण्याकरिता आम्ही ह्या ठिकाणी उपेंद्रजी कोटेकर यांना निवेदन देण्याकरिता आलेलो आहोत। आम्ही निवेदनामध्ये हेच सांगणार आहोत की ही जागा आम्हाला भेटली पाहिजे, अन्यथा आम्ही बंडखोरी त्या काही उमेदवाराच्या माध्यमातून होतील याची पूर्ण दक्षता पक्षांनी घ्यावी ही मागणी करण्याकरिता आलो। आम्ही सर्वांनी सामूहिक राजीनामे देण्याच्या संदर्भामध्ये निवेदन सुद्धा लिहिलेलं आहे की ही जागा सर्वाधिक मोठा पक्ष आमचा असताना ही जागा आम्हाला जर मिळत नसतील तरी सामूहिक राजीनामे देण्याची भावना सर्व पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलेली आहे। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि वरुणा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र की सीट बीजेपी को मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होता है तो सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा देंगे। साथ ही मांग का ज्ञापन पार्टी के वरिष्ठ को सौंपा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले ये देखना होगा कि कार्यकर्ता की मांग पूरी होती है या नहीं। आज हम देख रहे हैं कि नागपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित है। ये चंद्रपुर और वरोरा से है। इनकी ये मांग है कि वरोरा विधानसभा क्षेत्र जो कि शिंदे गुट को दी जा रही है और उसी को लेकर ये आज निवेदन दे रहे हैं और कई लोगों ने यहाँ पर जो है अपना इस्तीफा भी दिया है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है, उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या मांग है और किस मांग को लेकर आज वो यहाँ पर आए हैं, क्या बताओ। जैसा हर कोई ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी है। आज तक हमने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ये आंदोलन नहीं हुआ, ये आंदोलन भी नहीं है, अपनी मांग हम यहाँ पे रख रहे हैं। आज तक 30 साल से 40 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हर वक्त जब से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हुई, हर वक्त शिवसेना को सीट मिली है। आज की तारीख में वरुणा क्षेत्र में जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। शिवसेना के पास आज की तारीख में एक सरपंच तक नहीं है, कार्यकर्ता तक रंग नहीं है। उसके बावजूद भी हमने ये सुना है कि ये सीट शिवसेना के गुट में जा रही है, शिंदे गुट में जा रही है, तो ये हम पे अन्याय है। और जब तक हम शिस्तबद्ध लोग हैं, आज भी शिस्त पालते हैं, लेकिन एक शिस्तबद्ध आदमी कभी ना कभी तो उठाव करेगा, कब तक ये सहेगा? और ये सहने की ये आखिर लिमिट हो गई है। इसलिए हम सब लोग यहाँ पे उठाव करने नहीं, हम अपनी बात रखने के लिए आए, कोई उठाव वाली बात नहीं है। हम लोग बड़े प्यार से हम अपने नेताओं का हमारी मांग रखेंगे। हम देख रहे हैं कि महिलाएं आप यहाँ पे आई हो सब, क्या आपकी मांग है? और कई लोगों ने इस्तीफे भी दिए अपनी मांग को लेकर, क्या बता? हाँ, हमारी मांग यही है के, हमारी मांग यही है कि हमारे भद्रावती वरुणा सभा विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादातर जिला परिषद, नगर पालिका वगैरह ये सब सीट ज़्यादातर भद्रावती भाजपा का है, और इतना सब होने के बावजूद अगर सीट शिवसेना को जाती है तो ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि इतने सालों से हम बीजेपी का काम कर रहे हैं और हमारे तरफ आई हुई जो सीट है, हमेशा ऐसा ही होता है कि जो विधानसभा सीट आती है लोकसभा की आती है वो शिवसेना की तरफ या तो किसी और की तरफ चली जाती है, तो ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसके आप इस्तीफा दिए गए, आपने भी इस्तीफा दिया? हाँ। कितने लोगों ने इस्तीफे दिए?
अभी पता तो नहीं, लेकिन बहुत सब लोगों ने ज्यादातर सभी ने दिया है। तो हमने देखा कि विधानसभा चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है कई नाराज दिखाई दे रहे हैं भद्रावती और वरोरा विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ पे उनकी मांग को लेकर वो आए हैं नागपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में, क्या बताओ? भद्रावती विधानसभा में जो सेना की सीट आ रही थी, अभी तक आज तक के उनका कोई चुनाव मतलब आमदार बना नहीं है, वो आमदार बीजेपी के भरोसे भी बना था एक, अभी हमको बीजेपी को सीट हो रहा और वो सीट हम चुन के लाएंगे, ये हमारा पूरा दावा है। इसलिए हम अपने बड़े नेता को अपना विधानसभा भद्रावती वरोरा विधानसभा की सीट हम मांग रहे हैं, ये हमारा फाइनल डिसीजन। तो हमने देखा कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो चुके है उसके बाद जो उम्मीदवारी को लेकर जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी के भद्रावती वरोरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं अपनी मांग को लेकर, क्योंकि ये जो सीट है ये शिंदे गुट को जाने वाली है और इसी को लेकर ये नाराज कार्यकर्ता अपना निवेदन लेकर यहाँ पार्टी कार्यालय पहुंचे। अब देखना ये होगा कि इनकी मांग पूरी होती है या नहीं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिज देशमुख, बीसीएन न्यूज नागपुर।